हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राजा। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। तो आज टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे बात होने वाली है। तो टॉपिक आज का हमारा ये है कि हम अपने वीडियो को प्राइवेट कैसे करें, और कैसे करें वो कौन सा एप्लीकेशन है, वही आज हम आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उस एप्लीकेशन का नाम है क्रिएटर स्टूडियो। आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए, आपका कीमती टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने के लिए हमें मोबाइल स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। तो लोग आज हम आ गए हैं अपने फ़ोन स्क्रीन पर, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं कि अपने वीडियो को प्राइवेट कैसे करें। तो ये हमारा ये गोल चक्कर देख रहे हैं, इस हमारे क्रिएटर स्टूडियो पे घूम रहा है। तो हमें इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो हम दिखा देते हैं अपने चैनल को अपने वीडियो को प्राइवेट कैसे करें। तो चलो, हम एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं आपको। हमारा ये सबसे ऊपर वीडियो है, इसको मैं प्राइवेट कर रहा हूँ। तो आपको हम दिखा दे रहे हैं किस प्रकार से होगा। तो इस तरीके का इंटरफेस निकल के आ गया। तो हमें ये पेंसिल वाला आइकन को देख रहे हैं, हमारा यहाँ गोल चक्कर आगे पीछे कर रहा है। इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे, थोड़ा प्रोसेसिंग होने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। इसको ऊपर घसका देना है। घसकाने के बाद यहाँ देखो, ये हमारा पब्लिश किया हुआ है। इसको हमें क्लिक कर देना है, जहाँ गोल चक्कर घूम रहा था। इसको क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ देखो, ये चाल ताला वाला आइकन दिख रहा है आपको, ये है हमारा प्राइवेट। ये हम प्राइवेट कर देंगे इसको। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ प्राइवेट हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ कोने पर ये सेविंग है, इसको सेव कर देंगे। इस तरीके से हो जाएगा। तो चलो, हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं हुआ है कि नहीं हमारा पब्लिश। तो चलो गाइस, हमारा ये देख लो, ये वीडियो हमारा हो गया है प्राइवेट। इस वीडियो को अब सिर्फ हम ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता है। तो इस तरीके से आप भी प्राइवेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपने वीडियो को प्राइवेट कर सकते हैं। फिर आपको प्राइवेट हटाना है, फिर से हमें इस वीडियो को क्लिक करना है। इस वीडियो को क्लिक करने के बाद इस तरीके से आएगा, फिर से वही पिलसिन वाले आइकन को क्लिक करना है। फिर से हमें यहाँ जाना है, फिर से हमें ये प्राइवेट को क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ पब्लिश करने के लिए पब्लिश पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर सेविंग कर देना है। तो चलो, हम आपको दिखा दे रहे हैं ये प्राइवेट पब्लिश हुआ कि नहीं। तो गाइस देख सकते हैं, फिर से ये हमारा वीडियो पब्लिश हो गया है, पब्लिश हो गया। तो हमें तो है गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ आप सबको, क्योंकि हमारे इस वीडियो में वॉइस अच्छा नहीं आया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा शोर ज़्यादा होता है और यहाँ पे बारिश भी हो रहा था, इसके कारण हमारा वॉइस इतना अच्छा नहीं आया होगा।